बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग यहाँ आए आज तलाश की म्यूजिक रिलीज पर। ये फिल्म फरहान, रितेश और मैंने प्रोड्यूस की है, और इससे पहले कि हम आपको हमारी टीम से मिलाएं जो यहाँ हमारे साथ मौजूद है, हम चाहते हैं कि आप इस फिल्म के कुछ गाने देखें, कुछ प्रोमोस देखें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम आपको हमारा प्रोमो दिखाएं, उसके बाद हम कुछ गाने दिखाएंगे, हाय कोमल, और उसके बाद हम हमारी टीम आपसे मिलेगी, आपसे बातचीत करेगी। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आने का, एंड लेट्स हैव द प्रोमोस प्लेइंग। जिन्होंने सारे गाने लिखे हैं, लिरिक्स लिखे हैं, माय फादर जावेद अख्तर, प्लीज इफ यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन स्टेज। यहाँ हमारे साथ भूषण भी हैं, सब जानते हैं भूषण को, ही इज ऑफ कोर्स रिलीजिंग द म्यूजिक, रिलीजिंग द एल्बम। भूषण, इफ यू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। और हमारे इस फिल्म की कास्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ कोर्स रानी, इफ यू कैन कम अप ऑन स्टेज प्लीज। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ हूँ, तलाश का म्यूजिक रिलीज है। एंड नाउ लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट लीस्ट, द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म हु हैपेंस टू बी सिटिंग देयर, रीमा प्लीज कम अप। आज हम एक इंसान को मिस कर रहे हैं, करीना जी, और ये पहली दफा है। हाँ जावेद साहब, ये पहली दफा है कि कोई आर्टिस्ट अपने फंक्शन देना यहाँ हो और हम लोग खुश हों, और हम लोग खुश इसलिए हैं कि हम करीना जी के लिए खुश हैं, सैफ के लिए खुश हैं, और हम उन दोनों को शुभकामनाएं देते हैं एक खुशहाल जिंदगी, आगे की जिंदगी के लिए, एंड वी विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। सो गाइस प्लीज फील फ्री टू आस्क अस क्वेश्चंस। आमिर पहले भी बहुत गुड लुकिंग थे, अभी भी गुड लुकिंग है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वेल आई गेस मुझे तलाश है अलग अलग चीजों की, खुशी की, खुशहाली की, अच्छे काम करने की, अच्छे मौकों की, अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम करने की हमेशा तलाश रहती है मुझे। दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट इट इज एंड व्हाट द डिमांड्स आर, सो बेस्ड ऑन व्हाट द स्क्रिप्ट इज, व्हाट द डिमांड्स आर, आई यू नो अकॉर्डिंगली अप्लाई माय सेल्फ। एज फार एज द सस्पेंस नेचर ऑफ द फिल्म इज कंसर्न्ड, देयर इज ऑब्वियसली ओनली दैट मच इन द ट्रेलर दैट वी कैन टेल यू। If we tell you what happens at the very end, that would defeat the purpose. This is my first film with Ram Saab, and hopefully not the last. You know, he belongs to a generation that has a totally fresh take on Indian film music. And Ram is known for being extremely, almost fanatically original. And his compositions, his structures are very different from what is available in the market all the time. एक्चुअली आई डोंट थिंक हम लोग या मैं उनके साथ कम्पीट कर रहा हूँ, ये सारी फिल्में जो हैं बहुत ही कामयाब फिल्में हैं, जो जिसमें अजय और सलमान और अक्षय ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है, और ये थोड़ी अलग हटके हैं। इसमें जो मेरा किरदार है वो इतना रंगीन नहीं है जैसे चुलबुल पांडे का था दबंग में, या तो वो खुद अपने अतीत के साथ, अपने जज्बातों के साथ जूझ रहा है, और ये आउट एंड आउट एंटरटेनर जो फिल्में होती हैं उस किस्म की फिल्म नहीं है, हालांकि मेरे हिसाब से बहुत ही एंटरटेनिंग है एक अलग तरीके से।